आजकल लोग धर्म के लिए तो प्रेरित नहीं है, बल्कि टीवी, फोन, कार, इन सभी में मोह रखते हैं। और जब ये लोग स्वर्ग जाएंगे तो इनके साथ ये टीवी, कार, फोन नहीं जाएंगे, बल्कि इन्होंने जो पुण्य किया है, जो पुण्य इन्हें मिलेगा, वो इनके साथ अवश्य जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा तो सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि सभी दिवाली मनाएं, अपने अपने घरों में 5-5 दिए जलाएं। बस क्या नाम है आपका? विपाशा सैनी। आपकी कितनी उम्र है? 7 बस की। अच्छा, आप कल 22 जनवरी है, रामलला का उद्घाटन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? अनुरोध है कि 22 जनवरी को सभी अपने अपने घरों में 5-5 दीपक जलाकर रामलला का स्वागत करें और दिवाली मनाएं, नव दीपावली मनाएं। अच्छा विपाशा सैनी जी, आप इसके बारे में जो राम उद्घाटन हो रहा है उसके बारे में आप 2 लाइन कोई भजन की कहेंगी, बताइए। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मंदिर के, वो अयोध्या मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कल 22 तारीख है, मेरा आपसे, मैं तो दीपक जलाकर दिवाली मनाऊंगी, और आप सभी से अनुरोध है, देशवासियों से, आप देशवासियों से ये अनुरोध है कि आप सब भी दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं, 5-5 दीपक सभी जलाएं और अपने घरों में और दिवाली मनाएं। और कुछ भजन या कोई 2 लाइन? युगराज राम का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवाल है राग गूंजा है विजय का, राग जी योगी संतों की अंखियों से गूंज, योगी संतों की अंखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी, राम सिया राम। अच्छा कैसा लग रहा है कल 22 जनवरी में राम जी का उद्घाटन है, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सब दिवाली मनाएंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आजकल लोग धर्म के लिए तो प्रेरित नहीं है, बल्कि टीवी, फोन, कार, इन सभी में मोह रखते हैं। और जब ये लोग स्वर्ग जाएंगे तो इनके साथ ये टीवी, कार, फोन नहीं जाएंगे, बल्कि इन्होंने जो पुण्य किया है, जो पुण्य इन्हें मिलेगा, वो इनके साथ अवश्य जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा तो सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि सभी दिवाली मनाएं, अपने अपने घरों में 5-5 दिए जलाएं। बस